So last time we have considered some prefixes and their multiples. कोई भी यूनिट का अगर अपने को उससे स्मॉलर यूनिट में कन्वर्शन करने का रहा तो उस यूनिट के नाम के पहले कुछ प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा और उसका एक पर्टिकुलर मल्टीपल रहेगा. या कोई भी यूनिट का अगर अपने को उससे बिगर यूनिट में कन्वर्शन करने का रहा तो उसके लिए भी उसको एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा और उसका मल्टीपल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. और वो अलग अलग प्रकार के प्रीफिक्सेस और उनके मल्टीपल्स अपन ने पिछली बार लिए थे. जैसे एक प्रीफिक्स है डेसी, उसका मल्टीपल है 10^-1. यानी कोई भी यूनिट के पहले अगर अपन ने डेसी लगा दिया, डेसी का सिंबल डी है, डेसी लगा दिया तो उसको अपने को 10^-1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. उसका अपन ने एग्जाम्पल लिया था जैसे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर, उसके पहले डेसी लगा दिया तो ये बन गया डेसी मीटर. यहाँ पर 1 लिखना और डेसी के बजाय मल्टीपल लिखना 10^-1 और आगे मीटर लिखना, ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन डेसी मीटर एंड मीटर. मीटर या डिस्टेंस का यूनिट है, डेसीमीटर भी डिस्टेंस का यूनिट है, मीटर से स्मॉलर यूनिट है. और डेसीमीटर और मीटर में का रिलेशनशिप ये है 1 decimeter = 1 × 10^-1 meter या 10^-1 इधर नीचे लिया पद में ऊपर लिया तो ये 10^+1 होगा. इसका मतलब 1 meter = 10 decimeter. सेंटी ये जो प्रीफिक्स है इसका सिंबल सी है और इसका मल्टीपल 10^-2 है. मीटर के पहले मान लिया अपन ने सेंटी लगा दिया तो ये बन गए सेंटीमीटर. सेंटीमीटर या डिस्टेंस का मीटर से स्मॉलर यूनिट है. और 1 centimeter = सेंटीमीटर के बजाय 10^-2 लिखना, 1 centimeter = 10^-2 meter. मिली इसका सिंबल स्मॉल एम है और इसका मल्टीपल 10^-3 है. मीटर के पहले मान लो अपने मिली लगा दिया तो ये बन गया मिलीमीटर. और मिलीमीटर है डिस्टेंस का यूनिट, सेंटीमीटर से भी स्मॉलर है. और 1 millimeter = 1 × 10^-3 meter. उसके बाद में माइक्रो नैनो पीको वगैरह इस प्रकार के अपन ने मल्टीपल्स लिए थे. कोई भी यूनिट का अगर स्मॉलर यूनिट में कन्वर्शन करने का रहा तो ये मल्टीपल्स यूज करना. जैसे मीटर का डेसीमीटर में कन्वर्शन करने का है तो उसको 10^-1 से मल्टीप्लाई करना. मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्शन करने का है तो उसको 10^-2 से मल्टीप्लाई करना. इस प्रकार से 1 decimeter = 1 × 10^-1 meter, 1 centimeter = 10^-2 meter, 1 millimeter = 1 × 10^-3 meter. उसी प्रकार से कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट का बिगर यूनिट में अगर कन्वर्शन करने का है तो उसके लिए भी अपन ने प्रीफिक्सेस लिए थे. बेकै हेक्टो, उसमें का एक कॉमन यूनिट है किलो. और ये जो प्रीफिक्स है किलो, इसका सिंबल स्मॉल के है और इसका मल्टीपल है 10^3. मिली का मल्टीपल 10^-3 है, किलो का मल्टीपल 10^3 है. अब मान लो मास का ऐसा डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर और मीटर के पहले अपन ने किलो लगा दिया तो ये बन गया किलोमीटर. यहाँ पर 1 लिखना, 1 kilometer = 1, किलो के बजाय लिखना 10^3 और उसके आगे मीटर, 1 kilometer = 10^3 यानी 1000 meter. ग्राम के पहले मान लो अपन ने किलो लगा दिया, ये बन गया किलोग्राम. 1 kilogram
equal to 1 into 10 to the power 3 gram. 1 kilogram equal to 1000 gram. ये तो आपने को मालूम है, ये डेली यूज में का यूनिट है. मास अपन किलोग्राम और ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं. 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम, 1 किलो है 1000 ग्राम, आधा किलो है 500 ग्राम, पाव किलो है 250 ग्राम, आधा पाव है 125 ग्राम. ये आपने को सब मालूम है. और एक पॉइंट ध्यान में रखना कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, एक ही फिजिकल क्वांटिटी अपन अलग अलग यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे मान लो इन दो पॉइंट में का डिस्टेंस अपने को एक्सप्रेस करने का है, तो ये डिस्टेंस अपन मिलीमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीटर में, किलोमीटर में. और ये जो क्वांटिटी है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग यूनिट में अलग अलग आएंगी. स्मॉलर यूनिट में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा आएंगी और बिगर यूनिट में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम आएगी. और ये भी बात ध्यान में रखना कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए वो यूनिट कन्वीनियंट रहेगा जो उसके कंपेरेबल है. यानी अगर क्वांटिटी बड़ी है तो बड़ी क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए बड़ा यूनिट यूज करना चाहिए, तो वो कन्वीनियंट रहता है. और छोटी क्वांटिटी है तो उसके लिए छोटा यूनिट यूज करना चाहिए. जैसे ये डिस्टेंस कम है तो ये डिस्टेंस एक्सप्रेस करने के लिए मीटर, किलोमीटर, ये बहुत बड़े यूनिट हो जाएंगे. ये डिस्टेंस एक्सप्रेस करने के लिए अपने को एक तो सेंटीमीटर का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो मिलीमीटर का. ये डिस्टेंस मान लो 2 सेंटीमीटर है या 20 मिलीमीटर. ये डिस्टेंस मीटर में एक्सप्रेस करना इनकन्वीनियंट है, किलोमीटर में एक्सप्रेस करना और भी ज्यादा इनकन्वीनियंट है, क्योंकि वो यूनिट्स इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत बड़े हैं. और जैसा कि पिछले बार बताया था कि दो सिटीज में का डिस्टेंस अगर अपने को एक्सप्रेस करने का है तो वो डिस्टेंस अपन सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में वगैरह एक्सप्रेस करना इनकन्वीनियंट रहेगा. दो सिटीज में का डिस्टेंस एक्सप्रेस करने के लिए अपने को बड़ा यूनिट लगेगा, दैट इज किलोमीटर. और दो प्लेनेट में का अगर डिस्टेंस अपने को एक्सप्रेस करने का है तो दो प्लेनेट में का जो डिस्टेंस है उसके लिए किलोमीटर भी बहुत छोटा यूनिट होता है. और दो प्लेनेट में का डिस्टेंस एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट तैयार किए हैं, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर. दो प्लेनेट में का डिस्टेंस एक्सप्रेस करने के लिए एक बड़ा यूनिट तैयार किया, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर. और वन लाइट ईयर यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन वन ईयर. लाइट ने एक साल में कवर किया हुआ डिस्टेंस, फिर वो डिस्टेंस मान लो अपन किलोमीटर में भी ले सकते हैं, मीटर में भी ले सकते हैं. वो डिस्टेंस यानी वन लाइट ईयर. अब लाइट की वेलोसिटी कितनी है? लाइट की वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है. इसका मतलब एक सेकंड में लाइट इतने मीटर का डिस्टेंस कवर करता है एक सेकंड में. अब एक साल के कितने सेकंड होते वो कैलकुलेट करना, उससे इसको मल्टीप्लाई करना. एक साल यानी 365 दिन, हर एक दिन के 24 घंटे और हर एक घंटे के 3600 सेकंड, तो एक साल में इतने सेकंड होते हैं. इससे इसको मल्टीप्लाई करना 3 × 10⁸. ये कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. तो वन लाइट ईयर यानी इतने मीटर, 365 × 24 × 3600 × 3 × 10⁸ मीटर. ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वन लाइट ईयर. और दो प्लेनेट में का डिस्टेंस लाइट ईयर में भी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा आती है. तो कहने की बात यह है कि जिस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होगी उस प्रकार का यूनिट यूज करना चाहिए. बिगर क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए बिगर यूनिट और स्मॉलर क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए स्मॉलर यूनिट, कन्वीनियंस के लिए.
जितना अपन ने पिछली बार लिया था। अब कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज अपने को लेने की है और उनके यूनिट्स अपने को लेने के हैं और उनके डिफरेंट यूनिट्स में का रिलेशनशिप। फिजिकल क्वांटिटी यानी मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी अपन मेजर कर सकते हैं प्रैक्टिकली, वो मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी यानी फिजिकल क्वांटिटी। और इसके पहले जैसे आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी अपने को दो पार्ट में एक्सप्रेस करनी पड़ेगी, एक पार्ट यानी उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा पार्ट यानी यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अब जैसे ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज मास, मास एक्सप्रेस करने के लिए एसआई यूनिट है किलोग्राम और सीजीएस यूनिट है ग्राम। अब इन दोनों में रिलेशनशिप, किलो का मल्टीपल ध्यान में रखना, किलो का मल्टीपल है 10^3, ग्राम के पहले किलो लगा है यहाँ पर 1 लिखना, किलो के बजाय 10^3 लिखना, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 10^3 यानी 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। यहाँ पर अगर अपने को 1 लेने का है तो 10^3 पहले नीचे लेना एज इट इज, बाद में ऊपर लेना -3, तो 1 × 10^-3 किलोग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। 1 किलोग्राम यानी 10^-3 ग्राम या 1 ग्राम यानी 10^-3 किलोग्राम, यह हो गई फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मास। और मास इन सीजीएस सिस्टम इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड इन एसआई सिस्टम इट इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन किलोग्राम एंड ग्राम इज 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 × 10^3 ग्राम और 1 × 10^-3 किलोग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। अब वेट, अब जनरली मास को अपन वेट बोलते हैं लेकिन एक्चुअली मास और वेट में डिफरेंस है, मास और वेट में डिफरेंस है। मास रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस ज्यादा तो उसका मास ज्यादा, सब्सटेंस कम तो उसका मास भी कम। और वेट यानी द फोर्स एग्जर्टेड बाय ए बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है वो फोर्स यानी वेट। और ये जो वेट रहता है दिस वेट इज गिवन बाय फॉर्मूला m × g, m g यानी मिलीग्राम नहीं, यहाँ पर m का मतलब उस बॉडी का मास और g का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो वेट है ये ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गर है तो वेट ज्यादा रहेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम है तो वेट कम रहेगा। एक ही बॉडी का वेट, एक ही बॉडी का मास सब कहीं पर भी सेम रहेगा लेकिन उस बॉडी का वेट अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है क्योंकि वहां पर के ग्रेविटेशनल फोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि मून पर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के 1/6 है, तो कोई भी बॉडी का मान लो अपना वेट अपना मास नहीं, मान लो अपना मास 60 किलोग्राम है तो मून पर जाने के बाद में भी अपना मास तो 60 किलोग्राम ही रहेगा लेकिन मून पर जाने के बाद में अपन हल्का महसूस करेंगे क्योंकि वहां पर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के 1/6 है, तो मून पर का अपना जो वेट है वो वेट अर्थ पर जितना है उसके 1/6 रहेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड वेट रिप्रेजेंट्स द फोर्स एग्जर्टेड बाय ए बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। और ये वेट अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है लेकिन मास एक ही पर्टिकुलर बॉडी का मास सब तरफ सेम रहेगा, लेकिन जनरली अपन मास और वेट को एक ही कंसिडर करते हैं, वैसा नहीं है, मास और वेट में फर्क। ये हो गई एक फिजिकल क्वांटिटी मास। अब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी यानी वॉल्यूम,
अब वॉल्यूम का है ऐसा यूनिट अपने इसके पहले लिया था वॉल्यूम मैंने लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट या लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ और लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर और लेंथ का सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर उसका क्यूब करना तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब और सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब और सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब अब इन दोनों में का रिलेशन क्या है पहले अपन सेंटीमीटर और मीटर में का रिलेशनशिप लेंगे सेंटीमीटर यहाँ पर वन लिखेंगे सेंटी का मल्टीपल ध्यान में रखना सेंटी का मल्टीपल है 10^-2 तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10^-2 मीटर ये डिस्टेंस का यूनिट होगा ये सीजीएस यूनिट और ये एसआई यूनिट इन दोनों में का ये रिलेशनशिप है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 × 10^-2 मीटर अब दोनों साइड का क्यूब करना 1 का क्यूब 1 सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर 1 का क्यूब 1 10^-2 का क्यूब 10^-6 और मीटर का क्यूब मीटर क्यूब ये वॉल्यूम का सीजीएस यूनिट है और ये वॉल्यूम का एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट वॉल्यूम का और ये एसआई यूनिट वॉल्यूम का इन दोनों में का रिलेशनशिप ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 × 10^-6 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब इसको अपन शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं सीसी सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर एक ही बात तो 1 सीसी यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 × 10^-6 मीटर क्यूब डिस्टेंस का और एक स्मॉलर यूनिट अपन ने लिया है डेसीमीटर अब 1 डेसीमीटर यानी कितने मीटर डेसी का मल्टीपल 10^-1 यहाँ पर 1 डेसी के बजाय 10^-1 लिखना और मीटर 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10^-1 मीटर ये डिस्टेंस या लेंथ का यूनिट हो गया ये लेंथ का यूनिट है ये सीजीएस यूनिट नहीं है ये ऐसा यूनिट नहीं है ये अदर यूनिट में आता है लेंथ का यूनिट यहाँ पर डेसीमीटर है लेंथ का यूनिट यहाँ पर मीटर है दोनों साइड का क्यूब करना 1 का क्यूब 1 डेसीमीटर का क्यूब डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब 1 10^-3 और मीटर का क्यूब मीटर क्यूब ये भी वॉल्यूम का यूनिट है डेसीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब और इन दोनों में का रिलेशनशिप ये है 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 × 10^-3 मीटर क्यूब अब डेली प्रैक्टिस में क्या अपन वॉल्यूम के यूनिट लेंगे जैसे मान लो अपन अपने को दूध वगैरह लेने का है तो दूध वगैरह अपन लीटर से लेते नहीं तो मिली लीटर से 1 लीटर यानी 1000 ml ml का मतलब मिली लीटर देखो वॉल्यूम का डेली प्रैक्टिस में का यूनिट है लीटर इसके पहले स्मॉल या मैंने मिली लगा दिया और मिली का मल्टीपल है 10^-3 तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू 10^-3 लीटर मिली का मल्टीपल है 10^-3 तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू 10^-3 लीटर 10^-3 इधर नीचे लेना वाली ऊपर लेना वो प्लस बन जाएगा तो 1 × 10^3 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर और 10^3 यानी 1000 तो 1 लीटर यानी 1000 ml ml का मतलब मिलीलीटर तो 1 लीटर यानी 1000 ml आधा लीटर यानी 500 ml पाव लीटर एक पाव दूध तो 1 पाव दूध यानी 250 ml
आधा पाव है उसके आधा 125 यूएम है। ये अपने डेली प्रैक्टिस में के यूनिट है, लीटर और मिलीलीटर। लीटर और मिलीलीटर का अगर रिलेशनशिप ये है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 यानी 1 × 10³ मिलीलीटर। अच्छा अब ये सेंटीमीटर क्यूब या वॉल्यूम का सीजीएस यूनिट है, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर करीब करीब इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है लेकिन करीब करीब इक्वल है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 मिलीलीटर एंड 1 लीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml भी लिख सकते हैं अपन, या 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। 1 लीटर यानी 1000 ml, 1000 ml यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब करीब करीब इक्वल है। अब अपने पास में ये अलग 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 प्रकार के यूनिट्स हो गए वॉल्यूम के, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये जो वॉल्यूम के अलग अलग प्रकार के यूनिट्स हैं, इनमें का एक रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखने का है। इस पर से इसी प्रकार से तैयार किया है वो कैसे तैयार किया वो नहीं लेंगे अपन, डायरेक्टली रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखने का है। और ये रिलेशनशिप आपको हमेशा काम में आएगा, 1 लीटर इक्वल टू 1 decimeter क्यूब होता है, दैट इज इक्वल टू 1000 × 10³ मिलीलीटर होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 × 10³ सेंटीमीटर क्यूब होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 × 10³ मीटर क्यूब। ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए ध्यान में रखना, लीटर और डेसीमीटर क्यूब करीब करीब एक ही है, मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब भी करीब करीब इक्वल है। 1 लीटर यानी 1 decimeter क्यूब, 1000 मिलीलीटर यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 decimeter क्यूब इक्वल टू 1 × 10³ मीटर क्यूब। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के डेली प्रैक्टिस में के यूनिट्स है लीटर और मिलीलीटर। SI यूनिट है मीटर क्यूब, CGS यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, और अदर यूनिट में अपन ने लिया डेसीमीटर क्यूब। और ये जो यूनिट्स है वॉल्यूम के, इन डिफरेंट यूनिट्स में का ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार कैलकुलेशन करते वक्त एक यूनिट का अपने को दूसरे यूनिट में कन्वर्शन करने का काम पड़ सकता है। अब तीसरे प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है मेजरेबल डेंसिटी, या उसको अपन एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोल सकते हैं, यानी एक्चुअल डेंसिटी। कोई भी सब्सटेंस की मेजरेबल डेंसिटी, जो डेंसिटी अपन मेजर कर सकते हैं प्रैक्टिकली, या एक्चुअल डेंसिटी यानी एब्सोल्यूट डेंसिटी। अब डेंसिटी के डेफिनेशन आपको मालूम है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी सब्सटेंस का वॉल्यूम वन लेना, सब्सटेंस का वॉल्यूम वन लेना। अब वन क्या, वन कुछ भी, 1 लीटर भी ले सकते हैं अपन, 1 decimeter क्यूब भी ले सकते हैं, 1 milliliter भी ले सकते हैं, 1 meter क्यूब भी ले सकते हैं, लेकिन सब्सटेंस का वॉल्यूम अपने को एक लेना पड़ेगा वन। और यूनिट वॉल्यूम सब्सटेंस का जो भी मास आएगा, अब मास किस में, मास कोई भी यूनिट में, मास अपन ग्राम में भी ले सकते हैं, किलोग्राम में भी ले सकते हैं, तो यूनिट मास, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस का जो भी मास लेगा वो मास है उसकी डेंसिटी, ये डेफिनेशन है। लेकिन डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ये है, डेंसिटी इज गिवन बाय फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए अपन ने 2 यूनिट लिए हैं, वो दूसरे भी है लेकिन अपन ने 2 लिए, ग्राम और किलोग्राम। और वॉल्यूम के लिए अपन ने जैसे लीटर लिया है, डेसीमीटर क्यूब लिया है,
मिलीलीटर लिया है, सेंटीमीटर क्यूब लिया है, मीटर क्यूब लिया है, ऐसे अलग अलग प्रकार के यूनिट्स अपन ने लिए। और मास और वॉल्यूम का रेशियो यानी डेंसिटी, और डेंसिटी का यूनिट क्या रहेगा ये मास के यूनिट पर और वॉल्यूम के यूनिट पर डिपेंड है। अगर अपन ने सब्सटेंस का मास ग्राम में लिया और उसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिया तो यहाँ पर डेंसिटी का यूनिट आएगा ग्राम, सेंटीमीटर के ऊपर ले लेना टू द पावर माइनस थ्री, पढ़ते हो उसको पर पढ़ना, डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये डेंसिटी का सीजीएस यूनिट है, ये ध्यान में रखना, डेंसिटी का सीजीएस यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम एंड वॉल्यूम इज एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर क्यूब। आप एसआई सिस्टम में मास किलोग्राम में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो डेंसिटी का एसआई यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये सीजीएस यूनिट डेंसिटी का, ये एसआई यूनिट डेंसिटी का। आप अदर यूनिट जैसे मान लिया अपन ने मास किलोग्राम में लिया और वॉल्यूम लीटर या डेसीमीटर क्यूब में लिया, एक ही बात है, क्योंकि वन लीटर यानी वन डेसीमीटर क्यूब, जितने लीटर उतने डेसीमीटर क्यूब। तो मास मान लो अपन ने किलोग्राम में लिया और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लिया, तो ये जो डेंसिटी है इसका यूनिट आएगा किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। डेंसिटी के ये तीन यूनिट्स आपको ध्यान में रखने के हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये सीजीएस यूनिट है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये एसआई यूनिट है, और किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ये अदर यूनिट में आएगा, वो सीजीएस यूनिट भी नहीं है या एसआई यूनिट भी नहीं। अब ये जो तीन प्रकार के यूनिट्स है इनमें का रिलेशनशिप अपन डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको ध्यान में रखने का है। इन तीनों यूनिट्स में का रिलेशनशिप ये हमेशा के लिए ध्यान में रखिएगा, वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू वन किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब सब्सटेंस की डेंसिटी, एक ही सब्सटेंस की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जितनी रहेंगी उतनी ही उसकी डेंसिटी किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में रहेंगी, दोनों यूनिट्स में उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू सेम आएंगे, क्योंकि वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू वन किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पर टू तो यहाँ पर टू, यहाँ पर थ्री तो यहाँ पर थ्री, एंड दैट इज इक्वल टू वन इंटू टेन टू द पावर थ्री यानी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये रिलेशनशिप आपको डेंसिटी के तीन यूनिट में का ध्यान में रखने का है, वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू वन किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मान लो अपने गोल्ड लिया, अब गोल्ड की डेंसिटी 19.3 है, लेकिन सिर्फ डेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने से काम नहीं चलेगा, उसका यूनिट भी लिखना पड़ेगा। तो गोल्ड की डेंसिटी 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उतने ही किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, तो गोल्ड की डेंसिटी किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में भी इतनी आएगी 19.3 इंटू 19.3 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। गोल्ड की डेंसिटी जितनी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है उतनी ही किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में वैल्यू इसके 1000 टाइम ज्यादा आएंगे, 19.3 इंटू 1000।
1000 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो डेसिमल पॉइंट ये एक डिजिट और दो जीरो देना, 19,300 ये हो गए गोल्ड के डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उससे भी अपन एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, जैसे वाटर, वाटर की डेंसिटी अगर किसी ने पूछे तो कोई भी झट से बता देंगे कि वाटर की डेंसिटी 1 है, लेकिन 1 क्या है ये नहीं बताएगा कोई। वाटर की डेंसिटी 1 है इस यूनिट में, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मान लो किसी ने आपको वाटर की डेंसिटी पूछी तो उसकी मजा लेने के लिए उसको बता देना कि वाटर की डेंसिटी 1000 है, फिर वो सामने वाला बताएंगे कि वाटर की डेंसिटी तो 1 है, नहीं बोलना 1000, बहस करना उससे, फिर वो बोलेगा गलत है, बोलना मेरा सही है क्योंकि मैंने जो वैल्यू बताई उसका यूनिट आपको मैंने आपको बताया, आपने जो वैल्यू बताई उसका भी यूनिट आपने मेरे को बताया है, ये दोनों का रेट है एक्चुअली। वाटर की डेंसिटी 1 है लेकिन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, वाटर की डेंसिटी 1000 है लेकिन किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो ये हो गए डेंसिटी के 3 यूनिट्स, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इन तीनों में का ये रिलेशनशिप। अब चौथी मेजरेबल प्रॉपर्टी, यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, बॉडी कितनी हॉट है या बॉडी कितनी कोल्ड है ये बताने वाली क्वांटिटी यानी टेम्परेचर। अगर बॉडी हॉट है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, बॉडी अगर कूल्ड है तो उसका टेम्परेचर कम रहेगा। डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कूलनेस बोलो या कोल्डनेस बोलो, बताने वाली क्वांटिटी यानी टेम्परेचर। और टेम्परेचर एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग प्रकार की स्केल्स है, 3 प्रकार की स्केल्स है, 3 प्रकार के यूनिट्स है। टेम्परेचर के लिए 3 प्रकार की स्केल्स है, पहले प्रकार की स्केल है सेल्सियस स्केल, दूसरे प्रकार की स्केल है फारेनहाइट स्केल, और तीसरे प्रकार की स्केल है केल्विन स्केल। और सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर सेल्सियस में लिखना पड़ता है, लेकिन उसको डिग्री की साइन देना पड़ता है, डिग्री उसके आगे सी लिखना। जैसे मान लो अभी रूम टेम्परेचर 30 है तो 30 के ऊपर डिग्री की साइन और आगे कैपिटल सी लिखना, अभी रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा पढ़ना पड़ेगा, ये इसको डिग्री बोलते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर का ऐसा है, सॉरी सीजीएस यूनिट है डिग्री सेल्सियस, केल्विन का ऐसा सॉरी केल्विन स्केल पर का टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन, इसको डिग्री नहीं लगा। ये साइंटिस्ट का नाम है, केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने यह स्केल तैयार की थी उस पर से इसको नाम दिया है केल्विन टेम्परेचर, ये डिग्री सेल्सियस और ये केल्विन टेम्परेचर। और तीसरे प्रकार की स्केल है फारेनहाइट स्केल, उसके लिए ऐसे लिखना डिग्रीज फारेनहाइट। तो टेम्परेचर एक्सप्रेस करने के लिए 3 प्रकार की स्केल्स है, 3 प्रकार के यूनिट्स है, सेल्सियस स्केल या डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट स्केल डिग्री फारेनहाइट, केल्विन स्केल या केल्विन डिग्री केल्विन है। और ये टेम्परेचर का सीजीएस यूनिट है, ये टेम्परेचर का एसआई यूनिट है,
और ये टेम्परेचर का अदर यूनिट। अब डॉक्टर के पास में जो थर्मामीटर रहता है बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उस पर जो टेम्परेचर आता वो फारेनहाइट में आता। नॉर्मल टेम्परेचर 97 to 98 के रेंज में रहता, उससे ज़्यादा रहा तो अपन बोलते बुखार आ गया, 100, 101। तो वो जो 100, 101, 102 वगैरह टेम्परेचर रहता वो डिग्रीज फारेनहाइट में रहता। और आपने देखा होगा जनरली न्यूज़पेपर में गर्मी के सीज़न में हर उसका टेम्परेचर आता, टेम्परेचर डिग्रीज सेल्सियस में भी आता, फारेनहाइट में भी देते हैं पेपर वाले। तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फारेनहाइट में भी अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं डेली यूज में, डेली प्रैक्टिस में। लेकिन साइंस में, केमिस्ट्री में टेम्परेचर अपने को कभी भी, कोई भी फार्मूला यूज करते हो टेम्परेचर अपने को कभी भी केल्विन में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन, बेसिक यूनिट है टेम्परेचर। कभी भी अपने को केल्विन में ही लेना पड़ेगा, कोई भी फार्मूला यूज किया तो भी। अब ये जो तीन प्रकार के टेम्परेचर्स है इनमें का रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखने का, सेल्सियस टेम्परेचर का फारेनहाइट में कन्वर्शन कैसे करना और फारेनहाइट का सेल्सियस स्केल में कन्वर्शन कैसे करना, उसके लिए फार्मूला दिया है। वो फार्मूला, वो स्केल किस प्रकार से तैयार की गई है उस पर से वो फार्मूला आया है। आपको डायरेक्टली फार्मूला ध्यान में रखने का है। सेल्सियस टेम्परेचर को मान लो अपने को सेल्सियस टेम्परेचर का फारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्शन करने का है, तो सेल्सियस टेम्परेचर को 1.8 से मल्टीप्लाई करना और उसमें 32 ऐड करना, तो अपने को करस्पॉन्डिंग फारेनहाइट टेम्परेचर मिलेगा। सेल्सियस टेम्परेचर का अगर अपने को फारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्शन करने का है तो सेल्सियस टेम्परेचर को 1.8 से मल्टीप्लाई करना और उसमें 32 ऐड कर देना। अब जैसे मान लो अभी रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, इसका फारेनहाइट में कन्वर्शन करने का है, तो 30 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर देना और उसमें 32 ऐड कर देना। 30 × 1.8 = 54 + 32 = 86। अब इसका यूनिट लिखना डिग्रीज फारेनहाइट। तो अभी रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब वो 86 डिग्रीज फारेनहाइट है। सेल्सियस टेम्परेचर मान लो 40 डिग्रीज है, तो 40 को 1.8 से मल्टीप्लाई करना और उसमें 32 ऐड करना। 40 × 1.8 = 72 + 32 = 104 degrees Fahrenheit। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, काम पड़ सकता है कभी कभी। डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय सेल्सियस टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय 1.8 + 32 = Fahrenheit temperature। अगर फारेनहाइट टेम्परेचर का सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्शन करने का है तो इस पर से ही करना, ये 32 इधर ले लेना, -32 एंगल, और फिर 1.8 नीचे ले लेना, यानी फारेनहाइट टेम्परेचर में से 32 माइनस कर देना और फिर उसको 1.8 से डिवाइड करना, तो अपने को सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा। ये जो फारेनहाइट टेम्परेचर है इसमें से अगर अपन ने 32 माइनस कर दिए तो वो आएगा 54, और 54 को अगर अपन ने 1.8 से डिवाइड किए तो फिर वो आंसर आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ये होगा इन दो टेम्परेचर में का रिलेशनशिप। सेल्सियस टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय 1.8 × 1.8 + 32 = Fahrenheit temperature। और जनरली अपने को सेल्सियस टेम्परेचर का केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्शन करने का काम पड़ेगा आगे। इन दोनों में का रिलेशनशिप ऐसा है, सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273.15 = केल्विन टेम्परेचर। और ये जो सेल्सियस टेम्परेचर है ये जनरली स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी प्लस 273.15। और ये जो केल्विन टेम्परेचर है ये कैपिटल टी से बताते हैं, सो कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी प्लस 273.15।
स्मॉल टी यानी सेल्सियस टेम्परेचर, उसमें 273.15 ऐड करने के बाद में अपने को करेस्पॉन्डिंग केल्विन टेम्परेचर मिलेगा। जैसे रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 273.15 ऐड कर देना तो ये आएगा 303.15 डिग्रीज की साइन नहीं देना भी, सिर्फ उसके आगे केल्विन लगाना है। 30 डिग्री सेल्सियस यानी 30 प्लस 273.15 इक्वल टू 303.15 केल्विन। तो ये हो गए टेम्परेचर के तीन प्रकार के स्केल्स या टेम्परेचर के तीन प्रकार के यूनिट्स, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट और केल्विन। इन दोनों में का रिलेशनशिप ये है और इन दोनों में का रिलेशनशिप ये है, इनका अपने को आगे काम करने वाला है। बाकी अगले इसमें।